हेलो फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का एक सम, जो स्टेटमेंट है फ्रंट व्यू ऑफ लाइन ए बी इज 50 डिग्री इंक्लाइन टू एक्स वाई एंड मेजर्स 55 mm लॉन्ग वाइल टॉप व्यू इज 60 डिग्री इंक्लाइन टू एक्स वाई लाइन। इफ एंड ए इज 10 mm अबव एच वी एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी, ड्रॉ इट प्रोजेक्शंस, फाइंड ट्रू लेंथ, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विथ एच पी एंड वी पी। दोस्तों, यहाँ पे जो हमको डेटा दिया है दैट इज एलिवेशन लेंथ इज इक्वल टू 55, एलिवेशन एंगल अल्फा इज इक्वल टू 50, प्लान एंगल बीटा इज इक्वल टू 60 एंड पॉइंट ए की पोजीशन विच इज 10 mm अबव एच पी एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। दोस्तों, हम लोग ये सम किस तरह से सॉल्व करेंगे वो हम स्टेप बाय स्टेप अभी। तो ये यहाँ पे आपका एक्स वाई लाइन बन गया। एक्स वाई लाइन बनाने के बाद हमारे पास पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए का प्रोजेक्टर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों पॉइंट ए का प्रोजेक्टर मैंने ड्रॉ किया और पॉइंट ए यहाँ पे मार्किंग किया विच इज 10 mm अबव एच पी एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। यहाँ पे ये पॉइंट का एडेस एलिवेशन हो गया, ये पॉइंट का प्लान हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग ए से एक लोकस ड्रॉ करेंगे, सिमिलरली एडेस से भी हम लोग एक लोकस ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमारे पास दो एंगल दिए हुए हैं, वन इज एलिवेशन एंगल अल्फा विच इज 50 डिग्री। तो यहां से हम लोग 50 डिग्री और यहां से जो प्लान एंगल बीटा है दैट इज इक्वल टू 60। सबसे पहले एलिवेशन हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे, उसकी लेंथ हमको दी गई है 55। तो ये जो हमारा हो गया एलिवेशन, दिस इज ए डैश, ये हमारा होगा बी डैश। हमको ये एंगल अभी दिया हुआ था विच इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू 50 डिग्री। दोस्तों, मैंने पहले आपको बोला था अगर हमारा बी डैश यहाँ पे है तो B का प्रोजेक्टर स्ट्रेट लाइन इस तरह से आएगा। हमारे पास प्लान एंगल बीटा है विच इज इक्वल टू 60, तो यहां से ये 60 इस तरह से होगा, सॉरी यहां से ये जो एंगल है वो एंगल हमारा है 60। मैंने यहां से लाइन प्रोड्यूस किया अप टू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्टर, ये जो पॉइंट मुझे मिलेगा दैट इज इक्वल टू बी। अब दोस्तों हमको यहां पे एक लोकस मिलेगा और हमको यहां पे भी एक लोकस मिलेगा। ये लोकस पे बी डैश और बी डैश टीएल है, सिमिलरली ये लोकस पर बी और बी टीएल है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हम प्लान को पैरेलल करेंगे। तो यहां से प्लान की लेंथ लेके ए बी इसको हम लोग पैरेलल करेंगे इस तरह से, यानी कि इसको मैंने इस तरह से टर्न किया विच इज पैरेलल टू एक्स वाई। उसके बाद यहां से ये सीधा जाएगा अप टू लोकस तक, दोस्तों मैंने आपको ये बोला था अगर ये प्लान यहां पे पैरेलल है उसका रिस्पेक्टिव एलिवेशन जो होगा वो हमारा ट्रू लेंथ होगा। सो दिस इज इक्वल टू ट्रू लेंथ, ये जो पॉइंट है दैट इज बी डैश टीएल, ट्रू लेंथ एक्स वाई के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज इक्वल टू थीटा विच इज एक्चुअल इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब दोस्तों हमारे पास ये जो ट्रू लेंथ हमको मिली है यहाँ पे, उसका मेजरमेंट लेके हम लोग यहां ए से इसके लोकस के ऊपर ऐसे आर्क लगाएंगे। ये जो लाइन है जो हमने ट्रू लेंथ बॉटम पे मार्क किया, दिस इज बी टी एल, ये क्या था हमारा ट्रू लेंथ, और यहां पे ये जो एंगल मिलेगा दैट इज इक्वल टू एक्चुअल इंक्लिनेशन विथ वर्टिकल प्लेन विच इज नोन एज फाइव। तो दोस्तों
ये हमारा जो मिसिंग डेटा था, मिसिंग डेटा हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। हमने जो फाइंड किया दैट इज टू लेंथ, उसके बाद हमने जो फाइंड किया दैट इज एक्चुअल इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल प्लेन, उसके बाद एक्चुअल इंक्लिनेशन विद वर्टिकल प्लेन और प्लान की लेंथ। तो दोस्तों इसी तरह से आप ये चैनल तो देखते रहिए और इंजीनियरिंग ड्राइंग सीखते रहिए और सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि आप अपडेट मिस ना कर पाओ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।